रवि शर्मा जी के यहाँ ये प्रोडक्शन मैनेजर थे बलदेव पुष्करना, आजकल वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि देवी शर्मा आपको साइन करना चाहते हैं। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कुमकुम हीरोइन थी, और ये भी जो राजकुमार संतोषी हैं इनके फादर पीएल संतोषी ये डायरेक्टर थे, और चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। और मुझे बोला गया कि आपको 55,000 रुपये मिलेंगे। मैं पैसे के लिए तो दीवाना नहीं था, मैंने बोला ये सेटअप क्या हो गया। शांताराम जी के यहाँ काम करने के बाद कलर पिक्चर विच इज़ अ जुबली एट प्लाजा एंड लिबर्टी, ये कौन सा सेटअप आ गया मेरे पास। पर नेचुरली बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मैंने पकड़ ली, मैंने देखते हैं आगे क्या करना है। एक दिन मुझे उनकी बेटी जिसका नाम यूके है, उसने मुझे बताया कि माई फादर इफ़ ही मेक्स अ कमिटमेंट ही विल ऑनर इट, बट द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू मेक अ कमिटमेंट इज व्हेन ही ड्रिंक्स। तो मैं दो बोतलें विस्की के लेके पहुँच गया कि भाई देवी साहब आज आपके साथ बैठ के पीना है। तो देवी साहब भी बोले अच्छी बात है, पीने लगे तो यू वॉज लिटिल गुड मूड, ई केम इन गुड मूड। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देवी साहब शांताराम जी के पास काम करने के बाद मेरी बहुत अच्छी इच्छा है कि आप जैसे डायरेक्टर के पास काम करूं। तो एकदम खुश हो गए, अच्छा तो ठीक है मेरे पास काम करें। तो उन्होंने वो एक बोतल विस्की तोड़ी, मैं आदर होया कि मेरी इतनी कीमती विस्की टूट गई। बोला ऊँ करके हे माँ करके उन्होंने कोई प्रभु का नाम लिया और विस्की की बोतल फेंक दी। बोला दिस इज प्रॉमिस। मैंने कहा बड़ा महंगा प्रॉमिस पड़ा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उनको मिलने गया तो उन्होंने बोला कौन सी हीरोइन ला सकते हो, हम कुमकुम के साथ कुमकुम को हीरोइन बनाना है बट खुद डायरेक्शन नहीं करनी। तो मुझे बोला कि आपको कौन सी हीरोइन चाहिए। अरे बोला ये अजीब मुसीबत है, प्रोड्यूसर बोलता है कौन सी हीरोइन ला सकते हो। तो आई न्यू राजश्री, तो मैंने राजश्री को करा देंगे। तो बोले ठीक है। राजश्री के घर गए, उनकी मदर ने बात की, सब ठीक है, ये हमारा रवि है, राजू ने गीत गाय में काम किया, इस पिक्चर में भी करेंगे। पैसों की बात आई तो उसने कहा कि मेरी बेटी 3.25 लाख रुपए लेगी। तो देवी साहब बढ़ गए, मैं तो 3 लाख से ऊपर दूंगा नहीं। अरे मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, बात फिसल रही थी कि मैं बलदेव पुष्करना को बाहर ले गया। मैंने कहा मेरा 55,000 है, उसमें से 25,000 उधर दे दे, बताना नहीं मगर डील ख़त्म करो। तो वो तो रेडी था, जो हाथ शेक हैंड हुआ बात हीरोइन फाइनल हो गई, हमारा 55,000 का 30,000 रुपये रह गया। उस ज़माने में म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत चूजी हुआ करते थे, स्पेशली नौशाद जी एंड शंकर जयकिशन, हर एक की फिल्म नहीं किया करते थे। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, जय बोला अच्छा तेरे ले करूँगा, देवी शर्मा को लेके गया। तो देवी शर्मा बोला ओके सब फाइनल हुआ। तो वो बोला मैं तो 3.5 लाख रुपये लेता हूँ। देवी शर्मा 3.25 पे अड़ गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, फिर बलदेव को बाहर लेके गया। मैंने कहा जो मेरा 30 बचा है उसमें से 25 दे दे, बताना नहीं। मैं 5,000 में वो फिल्म की, बट आई नेवर लुक बैक। मेरे डांस मास्टरों ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। वैसे मैं बहुत कम, मतलब आजकल ही डांस करता हूँ, बिकॉज मेरे को मेरी बेटी को ले जाना पड़ता है डांस करने, तो उससे उसके साथ डांस करता हूँ, वरना मैंने कभी डांस फ्लोर पे डांस नहीं किया। क्या इसे देखकर आपको अपनी उम्र का एहसास होने लगता है? नहीं, उसके साथ डांस करने के लिए बहुत, उस दिन सुबह खजूर बादाम देन सो मेनी विटामिन टेबलेट्स खा के जाता हूँ, ताकि उसको तो ये नहीं लगे कि ये गया। एटलीस्ट ये अलग बात है कि घर आके मैं लुढ़क जाता हूँ। उसका बस चले तो राउंड द क्लॉक भी कर सकती है, मैराथन कर सकती है। लकीली ये डिस्कोस एक टाइम पे आगे बंद हो जाते हैं, नहीं तो मेरा क्या हाल होगा। और आपका बेटा तुषार तो एकता से एकदम उल्टा है, आपने उसकी शाइनेस कम करने में कैसे मदद की? एक बार शोभा ने मुझसे कहा कि तुषार बहुत शाय है, इसको आप इसकी शाइनेस से बाहर निकालिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो फिर मैंने एक दिन तुषार को लास्ट ईयर बुलाया और कहा कि तुषार आई एम इन ट्रबल। बच्चा घबरा गया, बोला पापा क्या ट्रबल? बोला अभी मेरा लंदन में शो है और मैंने अपने 2-3 आइटम करने थे और मैं कर नहीं पाया हूँ, तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आई लेट पीपल डाउन। तो इसे व्हाट यू वांट मी टू डू, मैं क्या करूँ आपके लिए? मैं जानता था कि ये बहुत शाय है, और जब मैं इसको कुछ कहूँगा ये तो पहले ही घबरा जाएगा। तो मैंने कहा अगर तू कुछ स्टेज पर करे तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कहते आप मुझे डांस कराना चाहते हैं स्टेज पर? नहीं नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप तेरी मर्जी है। खैर बात ख़त्म हुई, बाद में मुझे पता लगा ये और एकता दोनों मिलके सरोज के पास गए, 1 महीना तक गाने की रिहर्सल की, हालांकि मुझे मालूम पड़ गया था ये लोग कर रहे हैं। जब स्टेज पे जाने का वक्त आया तो मुझे बोलता है ओके पापा आई विल डू वन आइटम विद एकता। मैंने कहा थैंक यू। उसके बाद
10 मिनट पहले स्टेज पे जाने से पहले उसको स्टेज फ्राइट हो गया, घबरा गया, अपनी माँ के पास गया और कहता है, कैसे लोग हैं आप, अपने बच्चों से काम कराते हैं, बच्चों को पब्लिक में नचाते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं माँ बाप। तो मैं समझ गया, डर गया, अब जाता है या नहीं जाता। बट अल्टीमेटली स्टेज पे गया, उसने बहुत अच्छा आइटम किया जिसके लिए उसे काफ़ी तालियां भी मिली। बट मेरे को ये खुशी हुई, जहाँ इमोशन की बात आई, उसने अपने तरीके से कितना अच्छा इमोशन दिखाया कि मैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड। आप तो साल पर साल जवां पर जवां लगते जा रहे हैं, इसका राज? You rightly said, I look young, but you don't know when I go to my bedroom, I remove my dentures, I remove my wig, I remove these bones, then Shobha sees me in this dilapidated condition, फिर सुबह निकलने से पहले फिर ठोकती है, टा 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 डा डा, फिर आ गया। नहीं नहीं seriously. According to me, 90% you have to be thankful to the gene your parents gave you. अगर आपके माँ बाप गंजे होते तो आप गंजे हो जाते, और फिर वो गंजेपन 80% personality का हाथ तो बालों से है। अगर आपके माँ बाप डायबिटिक होते तो आप भी डायबिटिक हो जाते, तो उसके बाद वही टाटू, शुगर नहीं खाना, रोटी नहीं खाने, अपना सुबह इंजेक्शन इंसुलिन। इफ़ योर पेरेंट्स आर हार्ट पेशेंट्स और सो मेनी थिंग्स योर पेरेंट्स कैन गिव यू, आई कैन ओनली से आई एम लकी आई गॉट अ गुड जीन फ्रॉम माई पेरेंट्स। एक जमाना था जब आपको सारे ट्रेड फिगर्स जबानी याद रहते थे। इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड हर एक्टर पढ़ता है, और जब किसी एक्टर की फिल्म हिट होती है तो वो फिगर्स याद रखता है कि ये सेंटर में मेरी इस पिक्चर ने ये रिकॉर्ड किया, फलानी जगह ये किया। पर जिस एक्टर की पिक्चर फ्लॉप होती है वो कुछ भी याद नहीं रखता, याद रखने जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो जिस ज़माने में मेरी पिक्चरें चल रही होंगी तो शायद मैंने उन फिगरों को याद किया होगा, आजकल मुझे कुछ याद नहीं होता। आपकी गिनती टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में भी पाई जाती है। आई एम द मेकर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, आई एम द हीरो ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, एंड आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, एंड दैट इज दीदारियार। एटलीस्ट आई एम वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई एम द टॉप इन सम फील्ड एटलीस्ट। जी तू बी सीरियस। द फिल्म्स दैट वी हैव, जो हमने बनाई हैं, वो हैं हमजोली, परिचय, खुशबू, कसम खून की, ज्योति बने ज्वाला, प्यासा सावन, दीदारियार, सरफरोश, आग और शोला, तमाचा। और अपना भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है, अब क्या चाहते हैं आप? मेरी इच्छा यही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई वुड लाइक टू डाई विद माई शूज ऑन, मैं इसी इंडस्ट्री में रहना चाहता हूँ, चाहे वो मुझे किसी कोने में रखें, पीछे रखें, साइड में रखें, पर मुझे दूर ना करें, मैं इसी बारात में रहना चाहता हूँ मेरे आखिरी दम तक।